गुड मॉर्निंग। आज अपना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं अपन गत कक्षा में भी अपन पढ़ चुके, वहां अपन ने देखा था संख्या नंबर नंबर लाइन क्या है, ये इसका मूल बिंदु जी। जीरो से दाई तरफ संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं आती है, एक दो और तीन। बाई तरफ ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, अनंत तक, इस तरह से अनंत तक आती है। नंबर लाइन पर शून्य से दाई तरफ धनात्मक संख्याएं और बाई तरफ ऋणात्मक संख्या, इनको अपन संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब अपनी है प्रश्नावली ये, प्रश्नावली एक, प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। क्या है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, का योगफल ज्ञात करो। अब पहला संख्या रेखा अपन जानते हैं, जितनी बड़ी है सातवीं बड़ी, जीरो से दाई तरफ धनात्मक संख्या आती है और बाई तरफ ऋणात्मक संख्या। पहला है पांच बटा दो, प्लस माइनस तीन बटा चार, योग करना है जोड़ना है, तो सीधी सी बात है यहां हर में दो है और यहां हर में चार है, तो इनका लघुत्तम लस क्या आएगा, चार। लस क्या आया, चार। इस दो का भाग इस चार में दो कितनी बार जाएगा, दो बार। जितनी बार भाग जाता है ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा करो, पांच गुणी दस। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या आता है, माइनस। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस तो चेक किसका आएगा, माइनस। चार का भाग चार में कितनी बार गया, एक बार, एक को तीन से गुणा किया तीन, दस में से तीन गए सात बटा चार, तो इनका योग क्या आया, सात बटा चार। अब दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा है बेटा, दूसरा पहले में दूसरा है माइनस दो बटा तीन, माइनस दो बटा तीन प्लस माइनस चार बटा पांच, प्लस पांच बटा
प्लस पांच बटा ये है अब वही बात पहले वाली हर के लेसन ले लेंगे दो तीन पांच और छह इनका लेसन क्या आया तीन पांच और छह का लेसन क्या आया तीस तो इनका लेसन आ गया तीस तीन का भाग तीस में दिया दस बार गया दस को दो से गुणा किया माइनस बीस पांच का भाग तीस में छह बार गया छह को चार से गुणा किया चौबीस अब ये माइनस है ये प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का माइनस के चौबीस प्लस छह का भाग कितनी बार गया पांच बार तो पचम पच्चीस अब माइनस के तो कितने हो गए चौवालीस प्लस के पच्चीस अपॉन तीस चौवालीस में से माइनस के चौवालीस में से पच्चीस घटाए कितने आए चौदह में से पांच के नौ एक इधर उधार ले लिया एक बचा तीन बचे तीन में से दो गया क्या आया माइनस के उन्नीस बटा तीस ये इसके इस तरह से अपन इनका योग कर तीसरा है जीरो प्लस अपन जानते हैं कि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ो वही संख्या प्राप्त होती है जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ो वही संख्या प्राप्त होती है तो इसका क्या आ जाएगा यही इसके चौथा मिटा दो चार सही तीन बटा पांच तीन दूनी छह और एक सात तो क्या आया माइनस के सात बटा तीन तीन को दूसरे गुणा किया छह ये जोड़ दिया सात बटा तीन प्लस पांच चौका बीस बीस और तीन तेईस अपॉन पांच अब तीन और पांच का लेसन क्या आएगा आप हम जानते हैं पंद्रह पंद्रह में तीन का भाग भी जाता है और पांच का भाग भी जाता है तीन का भाग पंद्रह में गया पांच बार तो सात को पांच से गुणा किया तो माइनस के कितने आए पैंतीस प्लस पांच का भाग पंद्रह में कितनी बार गया तीन बार तीन को तेईस से गुणा किया तेईस थी उनहत्तर अब ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं उनहत्तर में से पैंतीस घटा दो कितने आए चार तीन तो ये कितने आए अपने चौतीस बटा पंद्रह
ये इसलिए कितने आए 24/15 ये हो गया। अब इनमें इसी तरह से होंगे सेवन कर लोगे। अब इनको संख्या रेखा पर हल करना है, धनात्मक है तो जीरो से दाई तरफ आएगा और ऋणात्मक है तो जीरो से बाई तरफ। मान याद कीजिए, दूसरा प्रश्न है मान याद कीजिए, इसमें भी ऐसा का ऐसा ही है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। पहले के छह है कर लेंगे, प्रश्नावली एक, प्रश्न नंबर दो, दूसरा प्रश्न है मान क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। पहले 2/3 प्लस 5/4। अभी जैसे हमने पहला प्रश्न किया था, दो परिमेय संख्याएं हैं उनका योग है, तो अपन क्या कर लेंगे इनका लसर ले लेंगे, लसर क्या आया 12। हर का भाग देंगे, 3 का भाग 12 में 4 भाग गया, 4 को 2 से गुणा किया 8, 4 का भाग 12 में 3 भाग गया, 5 को 3 से गुणा किया 15, जोड़ दो 15 और 8 23/12, यही इसके ये इसका मान क्या आया 23/12। ऐसे ही इसमें दूसरा है, -2 से ही 1/9, -2 से ही 1/9 प्लस 7 सर कर लो 9 दूनी 18 1 19/9 प्लस 7, इसको इससे गुणा कर लिया, ये जोड़ दिया। अब 7 के हर में कुछ नहीं है ना, जिसके हर में कुछ नहीं हो वहां क्या होता है 1। अब हर में आए अपने 1 और 9, 1 और 9 का लेसर हो क्या आएगा 9 आया, 9 का भाग 9 में एक बार लिया, यानी समान संख्या में समान संख्या का भाग देने पर 1 आ, 1 को -19 से गुणा किया तो -19, चिन्ह प्लस, 1 का 9 में 9 भाग है, 1 का भाग किसी भी संख्या में 2 उतनी ही बार जाता है जितनी वो संख्या होती है। 9 को 7 से गुणा करो 63 है प्लस के और 19 है माइनस के, तो घटाओ 13 में से 9 गए 4, 5 में से 1 गया 4, किसके माइनस क्या आया माइनस के 44/9, ये इसके माइनस के 44/9। माइनस की कैसा है, यहां प्लस के तरह से थे और 19 माइनस के थे तो किसके आए प्लस के 44, इसका मान आया
44 बटा 9, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, यानी दूसरे प्रश्न के जितने खंड हैं वो इस तरीके से हल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई अन्य नई बात नहीं है। अब इसमें एक और कार्य से हम लोग कौन सा करें, छठा कार्य। छठा क्या है, चार से तीन बटा पांच, चार से ही तीन बटा पांच, माइनस माइनस दो से ही एक बटा तीन, माइनस दो से ही एक बटा तीन, अब 500 का 20, 20 से 3, 23 बटा 5, माइनस 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 3, किसके आए, माइनस के। अब ये माइनस और इसको हटाएं तो ये माइनस और माइनस ये क्या हो गया, प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना। अरे माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। तो अब लस क्या आया, 15, 3 बार गया, 23 69, 3 को 23 से गुणा किया कितना आया, प्लस, 5 बार गया 35, इनको जोड़ा 9 और 5 14 का 4, असल 9 एक 10 बटा 15, तो इसका मान क्या आया, 104 बटा 15, 104 बटा 15, ये इसके उत्तर आगे। क्यों, अब इस तरह से इसका मान ज्ञात कर लोगे, चले आगे। अब आगे अपने तीन के प्रश्न में क्या है, परिमेय संख्याओं का गुणन फल। परिमेय संख्याओं का गुणन फल, तीन का है, परिमेय संख्याओं का गुणन फल याद करो। परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। पहला, तीन के में पहला 13/15 इंटू 5
पांच से पंद्रह कितनी बार कटे, यानी पांच का भाग पंद्रह में कितनी बार जाता है, तीन बार, तो ये क्या आया, तेरह बटा है तीन, ये ही इनका उत्तर है। इनका गुणनफल क्या आया, तेरह बटा तीन। दूसरा है पांच बटा चार बटा माइनस पांच, चार बटा माइनस पांच इंटू माइनस पांच बटा चार। हमेशा याद रखो कि जब कोई भी संख्या अपनी व्युत्क्रम संख्या से गुणा होती है तो उसका मान यानी गुणनफल एक आता है। इसमें चार से चार कट गए, पांच से पांच, माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो क्या आया एक। ये इसका, इस तरह से परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं, ठीक है।